लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी का ऐसा इतिहास जो आपने कभी सुना नहीं होगा और जानने की कोशिश भी नहीं की होगी। तो आज इस वीडियो में हम आपको लखीमपुर खीरी के ओर लेकर चलते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं इस चैनल पर लाता रहूँगा। लखीमपुर खीरी लखनऊ मंडल में उत्तर प्रदेश का एक जिला है। यह भारत में नेपाल के साथ सीमा पर स्थित है। जिले का मुख्यालय लखीमपुर शहर में स्थित है। यह जिला लखनऊ मंडल का एक हिस्सा है और राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। लखीमपुर को पूर्व में लक्ष्मीपुर के नाम से जाना जाता था। खीरी लखीमपुर से 2 किलोमीटर दूर 1.2 मील एक कस्बा है। इसका नाम शहीद खुर्द के अवशेषों पर निर्मित कब्र से लिया गया है, जो 1563 में मृत्यु हो गया था। पूर्व आज़ादी के तहत कब्र को 1856 के अधिनियम 18 के तहत प्रशासित किया गया था, जिसके बारे में 800 की आय थी। यह सिद्धांत बताता है कि नाम से प्राप्त होता है। खैर, पेड़ जो एक बार क्षेत्र में बड़े इलाकों को कवर करते थे। लखीमपुर खीरी यह दुधवा नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है, जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह बड़ी संख्या में दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का घर है, जिनमें बाघ, तेंदुआ, हिरण, हरपिड, हरे, बगाल, फ्लोरिकन आदि शामिल है। तराई जिला होने के नाते ये हरे भरे दृश्यों और कई नदियों के साथ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। लखीमपुर खीरी जिले के उत्तर में नेपाल, पश्चिम में शाहजहाँपुर और पीलीभीत जिले और पूर्व में बहराइच जिला तथा दक्षिण में हरदोई जिले के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। यह जिला पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जिला है और नेपाल का प्रवेश द्वार भी है। लखीमपुर खीरी का प्राचीन इतिहास। परंपराएं इस साधन को हस्तिनापुर की चंद्र जाति के शासन के तहत शामिल होने की ओर इशारा करती हैं और कई जगह महाभारत में एपिसोड से जोड़ती हैं। कई गांवों में प्राचीन टीले हैं जिनमें मूर्तिकला के टुकड़े पाए गए हैं। बलमीकर, बरखर और खैरलागढ़ सबसे उल्लेखनीय हैं। एक पत्थर का घोड़ा खैराबाद के पास पाया गया था, जो 4वीं सदी में स्थित समुद्रगुप्त के शिलालेख को दर्शाता है। मगध के राजा समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें एक घोड़े को पूरे देश में स्वतंत्र रूप में घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि राजा की शक्ति का प्रदर्शन किया जा सके और उनकी विजय के महत्व को रेखांकित किया जा सके। घोड़े की पत्थर की प्रतिकृति अब लखनऊ संग्रहालय में है। लखीमपुर खीरी का मध्यकालीन इतिहास। लखीमपुर खीरी का उत्तरी भाग राजपूतों द्वारा 10वीं शताब्दी में रखा गया था। मुस्लिम शासन धीरे धीरे इस दुर्लभ और दुर्गम क्षेत्र में फैल गया। 14वीं शताब्दी में उत्तरी सीमांत के साथ कई किलों का निर्माण किया गया था, ताकि नेपाल से हमलों की घटनाओं को रोका जा सके। अब लखीमपुर खीरी का आधुनिक इतिहास। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के दौरान अकबर के शासन में जिले ने अवध के सुबह में खैराबाद के सरकार का हिस्सा बनाया था। अवध के नवाबों के तहत 17वीं शताब्दी के बाद इतिहास व्यक्तिगत शासक परिवारों के उत्थान और पतन का है। वर्ष 1801 में जब रोहिलखंड को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था, तब इस जिले का कुछ हिस्सा कब्जे में शामिल था, लेकिन 1814 से 1816 के एग्लो नेपाली युद्ध के बाद इसे अवध में बहाल कर दिया। 1856 में अवध के उद्यम पर वर्तमान क्षेत्र के पश्चिम को मोहम्मदी और पूर्व में मल्लानपुर नाम जिले में बनाया गया था, जिसमें सीतापुर का हिस्सा भी शामिल था। 1857 के भारतीय विद्रोह में मोहम्मदी उत्तरी अवध में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख केंद्रों में से एक बन गया। शाहजहाँपुर के शरणार्थी 2 जून 1857 को मोहम्मदी पहुँचे और 2 दिन बाद मोहम्मदी को छोड़ दिया गया। अधिकांश ब्रिटिश पार्टी को सीतापुर के रास्ते में गोली मार दी गई और बचे लोगों की मृत्यु हो गई या लखनऊ में बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। सीतापुर से भागकर आए कुछ लोगों के साथ मल्लनपुर में ब्रिटिश अधिकारी नेपाल भाग गए, जहां बाद में उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई।
अक्टूबर 1858 तक ब्रिटिश अधिकारियों ने जिले पर नियंत्रण पाने के लिए कोई अन्य प्रयास नहीं किया। 1858 के अंत तक ब्रिटिश अधिकारियों ने नियंत्रण हासिल कर लिया और तब बनने वाले एकल जिले के मुख्यालय को शीघ्र ही लखीमपुर खीरी में स्थानांतरित कर दिया। अब हम देखते हैं लखीमपुर खीरी जिले का आकर्षक स्थल, लखीमपुर खीरी के दर्शनीय स्थल या पर्यटन स्थल। पहला है नसरुद्दीन मेमोरियल हॉल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1924 में 26 अगस्त 1920 को मारे गए खीरी के उपायुक्त सर रॉबर्ट विलियम डलगस विलियासी याद में 1924 में बिलावी मेमोरियल हॉल का निर्माण कराया। औपनिवेशिक अधिकारियों ने डिप्टी कमिश्नर को गोली मारने के आरोप में नसरुद्दीन महसी नगर और राजा नारायण मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। 26 अप्रैल 1936 को बिलावी मेमोरियल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। दूसरा है मेढक मंदिर, मतलब फ्रॉग टेंपल। फ्रॉग टेंपल या मेढक मंदिर लखीमपुर खीरी से 12 किलोमीटर दूर पर लखीमपुर से सीतापुर के मार्ग पर स्थित एक अनोखा मंदिर है। यह मांडुक तंत्र पर आधारित भारत में अपनी तरह का एकमात्र मंदिर है। यह 1860 और 1870 के बीच ऑयल स्टेट लखीमपुर खीरी जिले के पूर्व राजा द्वारा बनाया गया था। यह भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर एक बड़े मेढक के पीछे बनाया गया है। मंदिर एक अष्टकोणीय कमल के भीतर निर्मित है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग बाणासुर प्रतिमा नर्मदेश्वर नर्मदा कुंड में से लाया गया था। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व में और दूसरा द्वार दक्षिण में है। इस मंदिर की वास्तुकला तंत्र विद्या पर आधारित है। अगली जगह है शिव मंदिर गोला गोकर्ण। गोला गोकर्णनाथ को छोटी काशी नाम से पुकारा जाता है। लोगों की यह धारणा है कि रावण लंका के राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने वरदान दिया। रावण ने भगवान शिव से उनके साथ लंका जाने और हमेशा के लिए हिमालय छोड़ने का अनुरोध किया। भगवान शिव एक शर्त के साथ जाने के लिए सहमत हुए कि उन्हें लंका के रास्ते में कहीं भी नहीं रखा जाना चाहिए। अगर उन्हें कहीं भी रख दिया जाएगा तो उसी स्थान पर बसाया जाएगा। रावण सहमत हो गया और सिर पर प्रभु के साथ लंका की यात्रा शुरू कर दी। जब रावण गोला गोकर्णनाथ पहुंचा तो उसे लघु शंका की जरूरत महसूस हुई। रावण ने एक चरवाहे को शिवलिंग पकड़ाकर लघु शंका के लिए चला गया। चरवाहा भार सहन नहीं कर सका और उसने शिवलिंग भूमि पर रख दिया। रावण अपने सभी प्रयासों से उसे उठाने में असफल रहा। उसने गुस्से में अपने अंगूठे से शिवलिंग दबाया। रावण के अंगूठे की छाप अभी भी शिवलिंग पर मौजूद है। चैत्र अप्रैल के महीने में यह एक महीना के लिए भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे चैती मेला के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला है दुधवा नेशनल पार्क। मोहना और सुहेली नदी के बीच 75 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र को 1861 में आरक्षित वन घोषित किया गया था। 1977 में सरकार ने जिला खीरी के 1614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया। 1987 में दुधवा नेशनल पार्क और कृष्णपुर पशु विहार को दुधवा टाइगर रिजर्व TTR के रूप में दिया गया। दुधवा टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 1818 वर्ग किलोमीटर है। यह बड़ी संख्या में दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों का घर है, जिसमें टाइगर, तेंदुआ, बिल्ली, स्लैथ, बियर, राइनोसारस, वर्न हार्न, हिस्पिड हरे, हाथी, काले हिरण और हिरण आदि शामिल हैं। लखीमपुर की जलवायु बरसात के मौसमों को छोड़कर पूरे साल गर्म रहता है। गर्मियों के दौरान मार्च से जून तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 104 डिग्री फारेनहाइट से ऊपर और सर्दियों में अक्टूबर से फरवरी तक पहुंच जाता है। यह लगभग 4 डिग्री सेल्सियस 3.9 डिग्री फारेनहाइट तक गिर सकता है। सर्दियों में रात बहुत ठंडी होती है और इस मौसम में धुंध बहुत आम है। नदियाँ, लखीमपुर की नदियाँ। लखीमपुर में कई नदियों का प्रवाह, इनमें कुछ शारदा, घाघरा, कोरियाला, उले, सरायन, चौका, गोमती, कठन, सराय और मोहन नदियाँ जैसी हैं। दोस्तों, लखीमपुर का ट्रांसपोर्ट बहुत ही आसान है। लखीमपुर शहर राज्य की राजधानी से 134 किलोमीटर दूर है। यह आसानी से ट्रेन या फिर बस से पहुँचा जा सकता है।
UPSRTC की बस सेवाएं लगभग कैसरबाग से लखीमपुर तक उपलब्ध रहती हैं। अगर हम बात करें हवाई सेवा की, पलिया हवाई अड्डे के नाम से जाना जाने वाला एयरलाइन पुरखीरी हवाई अड्डा लखीमपुर खीरी में पलिया कलान से दुधवा राष्ट्रीय उपखंड के पास स्थित है और यह लखीमपुर शहर से 90 किलोमीटर दूर है। निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और शहर से 135 किलोमीटर दूर है। अगर बात करें हम सड़क मार्ग की, तो दोस्तों दिल्ली से दिल्ली मुरादाबाद बरेली और फिर बरेली सिटी से होते हुए पीलीभीत मैलानी ओला गोकर्णनाथ लखीमपुर जा सकते हैं। अगर हम जाना चाहते हैं ट्रेन से, तो दोस्तों ट्रेन लखनऊ से सीतापुर और फिर लखीमपुर तक जाती है ट्रेन। दोस्तों अगर हम बात करें लखीमपुर के धर्म की, जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा 3 धर्म वहां पर होते हैं। धर्म हिंदूवाद 70.41% और इस्लाम 19.1%, सिख धर्म 2.63% एंड अन्य 0.86% हैं। तो दोस्तों आपको लखीमपुर का शहर कैसे लगा और यहाँ की प्राचीनतम चीज़ें बहुत सारी हैं। अगर आप दोस्तों घूमने आते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसी ही वीडियोज आपके लिए इस चैनल पर हर राज शहर की लाता रहूँगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।